सत बारिश दे गुरु नानक दे दरबार अमृत बारिश दे अमृत बारिश दे अमृत बारिश दे बारिश दे अमृत बारिश दे अमृत बारिश दे अमृत बारिश दे तेरे कर्मा वाले अमृत बारिश रेहा गुरु नानक दे दरबार अमृत बारिश रेहा तेरे कर्मा वाले अमृत बारिश रेहा गुरु नानक दे दरबार अमृत बारिश रेहा अमृत बारिश रेहा अमृत बारिश रेहा तेरे कर्मा वाले अमृत बारिश रेहा गुरु नानक दे दरबार अमृत बारिश रेहा तेरे कर्मा वाले अमृत बारिश रेहा गुरु नानक दे दरबार अमृत बारिश रेहा अमृत पीवो सदा चिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता रंग तमाशा पूर्ण आशा कभी ना व्यापे चिंता आओ मालक बाबा जी पूर्ण जोगी ब्रह्म ज्ञानी महान तपस्वी नाम दे रसिए राजे जोगी दरबार विच पहुंच गए हैं आओ फिर सारियां संगतां वाज सुनो मालक बाबा जी दरबार विच पहुंच गए हैं अपने नेड़े ही पलसवा डेरे गुरु नानक कलोनी जिते आनंद ईश्वर दरबार बनया होया है जिते पूर्णमाशी का दिहाड़ा बनाया जाता है गुरमुख प्यारो हरेक पूर्णमाशी नूं आप मालक बाबा जी पहुंचते हैं आईया हुई संगतां नूं रोज ही ठाठ विच भगताया जाता है गुरमुख प्यारो आओ मालक बाबा जी अपार कृपा कर रहे हैं पहुंच गए हैं आओ सारियां सिख संगतां दरबार विच पहुंच के मन बिरतियां कागर करके बैठ के हाजरियां लवा के लाहा प्राप्त करिए जी कल नूं सुबह ही इत्थे दरबार कमर छकाया जाना है गुरमुख प्यारे खड़े हन इन्हां पास कापी है इन्हां दे कोल ना लिखाओ तां कि कल नूं अमर छके गुरु वाले बन के आपां जीवन सफला करिए जी आओ फिर ध्यान नाल सरवण करो अमर छकण वाली संगतां इत्थे पहुंच के ना लिखाओ आनंद ईश्वर दरबार गुरमुख प्यारो सारिया संगतां प्यार सत्कार दे नाल हाजरी लवा के अपन लाहा प्राप्त करना है आओ बाबा जी दे प्यार वाले गुरमुख प्यारे उन्हां दी मिठी रसना दे विचों गुरबाणी कीर्तन सरवण करके सुवासां नूं सफल करिए जी अमर छकण वाली संगतां नाल खाओ ਤਾਂ ਕਿ ਅਮਰ ਸ਼ਾਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ Darle canica pena
कहत जन कस न तरे तारी ले कनिका बिन रूप कुबेजा ब्याज अजामल तारी अले चरण बदक जन ते ओ मुकत में हो पल पल जिन राम के पल पल जिन राम कहे दासी सुत जन बिदर सुदामा दासी सुत जन बिदर सुदामा दासी सुत जन बिदर सुदामा उग्र सैन को राज दिए हे वाहेगुरु 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 दासी सुत जन बिदर सुदामा उग्र सैन को राज दिए वाहेगुरु 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 जपैन तपैन कुलैन करबैन नामे के स्वामी देव मुकत पे वाहेगुरु 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 जपैन तपैन कुलैन करबैन नामे के स्वामी देव मुकत पे दासी सुत जन बिदर सुदामा उग्र सैन को राज दिए जपईण तपईण कुलईण कर्महीन जपईण तपईण कुलईण कर्महीन नामे के स्वामी ते ओ मुकत पे तारी अले तारी तारी कनिका
का तारी अले तारी तारी लगने का तारी लगने का बिन रूप को भेजा तारी लगने का बिन रूप को भेजा वाहेगुरु 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 हम दौलत बेड़े पाप परिए पवन लगे मन जाई वाहेगुरु 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 सन्मुख सिद्ध पेटन को आए ले चौदे वडे आई वाहेगुरु 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 सन्मुख सिद्ध पेटन को आए ने जोने वडे आई गुरु तार तारण आरिया दे भगत पूरण अपनासी हाँ तुझको बल आरिया तारी अले तारी 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 अले तारी तारी लगने का तारी अले तारी तारी लगने का वडभागी साध संग प्राप्त तिन पेड़ दुर्मत खोई तिन की तोर नानक दास बादशाह जिन हर नाम हृदय परोई आओ सारे वड्या पागा वाले हाँ मालक बाबा जी पूर्ण जोगी ब्रह्म ज्ञानी महान तपस्वी नाम दे रसीए दरबार च पहुंचे हुए हन आओ सारी सिख संगतां दरबार च पहुंच के मन बृतियां एकाग्र करके बैठ के हाजरियां वाके लहा प्राप्त करो जी अमर शकन वाली संगतां आवाज सुनो कल नो सुबह ही चल रहे खंड पाठ उन्हां दे भोग पैन ते समाप्ति तो बाद इत्थे ही दरबार च अमर छकाया जाना है अमर छक के गुरु वाले बन के अपने जीवन सफला करना है आओ बाबा जी दे प्यारे बेहंगम उन्हां दी मिठी रसना दे विचों गुरबाणी कीर्तन श्रवण करके सुआसा नूं सफले करिए जी अमर छकण वाली संगतां इत्थे पहुंच के नाल खाओ ताँ के कल नूं अमर छक के गुरु वाले बन के आपा जीवन सफला करो भई आओ बाबा जी दे प्यारे बेहंगम उन्हां दी मिठी रसना दे विचों गुरबाणी कीर्तन श्रवण करके सुआसा नूं सफले करिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु सतगुर स्या चित लाइए सदा सदा रंग मान सतगुर स्या चित लाइए सदा सदा रंग मान सदा सदा रंग मान सतगुर स्यों चित लाई है सदा सदा रंग मान सतगुर स्यों चित लाई है सदा सदा रंग मान सतगुर स्यों चित लाई है सदा सदा रंग मान
सतगुर स्यों चित लाइए सदा सदा रंग मान सतगुर स्यों चित लाइए सदा सदा रंग मान 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 सतगुर स्यों चित लाइए 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 सदा सदा रंग मान 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 सतगुर स्यों चित लाइए 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 सदा सदा रंग मान सतगुर सेविए अपना पाइए नाम पार सतगुर सेविए अपना पाइए नाम पार सतगुर सेविए अपना पाइए नाम अपार औजल डुबदिया कढ लए अरदास करे दतार तन तन से सहा है जिनाम करे व्यापार बणजारे सिखियाम दे शब्द लंगावन हार जन नानक जिन को कृपा पई जन नानक जिन को कृपा पई तिन सेवया सृजनहार सतगुर स्यों चित लाइए सदा सदा रंग मान 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 सदा सदा
रंग मान सदा सदा रंग मान सदा सदा रंग मान सदा सदा रंग मान सदा सदा रंग मान सतगुर सात लाई है सदा सदा रंग मान सतगुर सात लाई है सदा सदा रंग मान सतगुरु चोंच तिलाईए सदा सदा रंग मान सतगुरु चोंच तिलाईए सदा सदा रंग मान अमर छकन वाली संगत इत्थे पहुंच के नाल खाओ तां कि अमर छके कल नूं इत्थे दरबार अमर छकाया जाना है अमर छके गुरु वाले बन के आप जीवन सफला करिए जी मालिक बाबा जी दरबार च पहुंचे हुए हैं आओ सारी सिख संगत दरबार च पहुंच के हाजर नलवा के लाह प्राप्त करो भाई साहब जी बैठे इन्होंने पास कापी है इन्हों के कोल नान खाओ ता कि अमर छके गुरु वाले बन के आप जीवन सफला करिए जी आओ बाबा जी दे प्यारे बिहंगम उन्हां दी मिठी रसना दे चों गुरबाणी कीर्तन श्रवण करके स्वासम सफल करिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु संत साईं दे जगत विच आए दुनिया दे तारने नूं संत साईं दे जगत विच आए दुनिया दे तारने नूं संत साईं दे जगत विच आए दुनिया दे तारने नूं संत साईं दे जगत विच आए दुनिया दे तारने नूं साईं दे जगत विच आए दुनिया दे तारने नूं संत साईं दे जगत विच आए दुनिया दे तारने नूं संत साईं दे जगत विच आए दुनिया दे तारने नूं संत साईं दे जगत विच आए दुनिया दे तारने नूं 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 साईं दे जगत विच आए दुनिया दे तारने नूं साईं दे जगत विच आए दुनिया दे तारने नूं संत साईं दे जगत विच आए दुनिया दे तारने नूं संत साईं दे जगत विच आए दुनिया दे तारने नूं दुनिया दे तारने संत साईं दे जगत विच आए दुनिया दे तारने नूं संत साईं दे जगत विच आए दुनिया दे तारने नूं
करने नो साधु संग प्या मन उदन दामृत जस गाए साधु संग प्या मन उदन नाम रतन जस गाए मिट गई चिंता सिमरे अनंता मिट गई चिंता सिमरे अनंता सागर तरिया पाई दुनिया दे तारने नो 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 संसाईले जगत विच आए जगत विच आए जगत विच आए दुनिया दे तारने नो संसाईले जगत विच आए दुनिया दे तारने नो संसाईले जगत विच आए दुनिया दे तारने नो संत साईं दे जगत विच आए दुनिया दे तारने नो नानक सर तो आए हुए बाबा जी दे प्यार वाले उन्हां दी मिठी रचना दे विचों गुरबाणी कीर्तन सरवण करके सुआसां नूं सफले करिए जी अमर छकण वालियां संगतां इत्थे पहुंच के नाल खाओ तां कि कल नूं सुबह ही इत्थे दरबार च अमर छकाया जाणा है अमर छक के गुरु वाले बन के आपां ने जीवन सफल करना है आओ फिर सारियां संगतां ध्यान नाल सरवण करो कल नूं सुबह ही इत्थे दरबार च अमर छकाया जाना है अमर छकण वाली संगत इत्थे पहुंच के नाल खाइए तां कि कल नूं अमर छक के गुरु वाले बन के आपां जीवन सफल करना है और चार तरीक नूं पूर्णमाशी दा दिहाड़ा है हरेक पूर्णमाशी नूं मालक बाबा जी दिल्ली शहर पहुंचदे हन आओ सारियां सिख संगतां प्यार सत्कार दे नाल पूर्णमाशी दे दिहाड़े ते हाजरियां लवा के आपां लाहा प्राप्त करिए जी कल नूं सुबह ही इत्थे दरबार च अमर छकाया जाना है आओ सारियां सिख संगतां जिन्हां ने अजे तक अमृत नहीं छकिया अमर छक के गुरु वाले बन के आपां जीवन सफल करिए जी सतनाम श्री वाहिगुरु सतगुरु गुरु नानक प्यारा बख्श बरताई जांदा सतगुरु गुरु नानक प्यारा बख्श बरताई जांदा सतगुरु नानक प्यारा बख्श बरताई जांदा सतगुरु नानक प्यारा बख्श बरताई जांदा बख्श बरताई जांदा किस्मत सौंदी जांदी सतगुर जगाई जांदा गुरु नानक प्यारा बख्श बरताई जांदा किस्मत सौंदी जांदी सतगुर जगाई जांदा बरताई जांदा बख्श बरताई जांदा किस्मत सौंदी जांदी सतगुर जगाई जांदा नानक प्यारा बख्श बरताई जांदा किस्मत सौंदी जांदी सतगुर जगाई जांदा बख्श बरताई जांदा बख्श बरताई जांदा बख्श बरताई जांदा
जाता किस्मत सौंपी जाती सफर जगाई जाता सतगुरु गुरु नानक प्यारा बख्श बरताई जांदा किस्मत तां सौंदी जांदी सतगुरु जगाई जांदा एक दिन बाबे नानक ने सुल्तानपुरी हट पाई देवतियां दी दरगाहों से ना ताई जांदा किस्मत सौंपी जांदी सतगुर जगाई जांदा नानक प्यारा बख्श बरताई जांदा किस्मत सौंपी जांदी सतगुर जगाई जांदा किसे करी नवाब दे जान चुगली मोदी खाना दुसांदा हद लुटाई जांदा मुखों कुछ भी बोलना आमदा नहीं तेरा तेरा ही मुखों लाई जांदा अजकल कोई इंतजाम कर ले सौसा पादे पाल ताई जांदा खफा होए नवाब ने आन कया कानू नानका सानू तयाई तेरे पैन बनाइए दे लग अखे तेरे पैन बनाइए दे लग अखे तेनू हड्डी दे जाग हयाई नवा आना तार गया एक पासे कहता मुड़वी जा जगवायाई ओ जा कट के लिया बही खाता जा कड़ के लिया बही खाता काटा कर पूरा जेड़ा पायाई बाबे कड़ के रखिया बही खाता कौड़ी कौड़ी दा साव बनाई दिता नफा सत सौ अठिया निकलवाया बाबे फोल के लेखा बनाए दिता खुश हो के नवाब ने मेर मंगी के हाथ चुगलांदा बाबे बुलाए दिता खुश हो के नवाब ने मेर मंगी बाबे बुलाई दिता एक काल दूजा नहीं कोई जेड़ा इस बूटी नू पाले आन संभाले मस्त शेर रण विच गजे सतसंग मोती डाले बचना वाले
सतगुरु गुरु नानक प्यारा बख्श करताई जांदा सतगुरु गुरु नानक प्यारा बख्श करताई जांदा नानक प्यारा बख्श करताई जांदा सतगुरु नानक प्यारा बख्श करताई जांदा करताई जांदा बख्श करताई जांदा बख्श करताई जांदा गुरु नानक प्यारा नानक प्यारा गुरु नानक प्यारा गुरु नानक प्यारा सदा चिर जीवो हर सिमरत आनंद अनंता रंग तमाशा पूर्णासा कभे ना व्यापे चिंता आओ गुरमुख प्यारो बाबा जी दे प्यारे बेहंगम उन्हां दी मिठी रचना चों गुरबाणी कीर्तन सरवण करिए जी बाबा जी दरबार च पहुंच गए हन पर बचना दा समा हो गया है जेड़ियां संगतां अजे तक दरबार च नहीं पहुंचियां इधर उधर खड़े हो आओ सारे ही दरबार च पहुंच के हाजरियां लवा के लहा प्राप्त करो आओ बाबा जी दे प्यारे बेहंगम उन्हां दी मिठी रचना चों गुरबाणी कीर्तन सरवण करिए जी आप नारायण कला तार जगमे परवरियो निरंकार अकार जग मंडल करियो सचखंड दरगाह विचों खुलियां दाता लेके बाबा जी दरबार विच आए हन आओ हंस बन के मोती चुगिए खुलियां झोलियां करके मुले तार तार दे थले नाम रूपी इशनान करके जीवन सफला करो जी एक बार प्यार दे नाल सारिये संगता करो रसना पवित्र प्यार नाल आखो जी सतनाम श्री सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है सुन मन मित्र प्यारिया Yeah.
मन मित्र प्यारिया सगवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए रैन गवाई सोए के दिन सगवाया खाए हीरे जैसा जन्म है कौड़ी बदले जाए गुरुआं दे गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हों की हजूरी दे विच जुड़ बैठ के गुरबाणी जस कीर्तन सरवण करन दा सुभाग प्राप्त होया बहुत वड्डे भाग ने अपने जो कई दिनों तो पूर्ण महापुरखों की मालक बाबा जी गरीब नवाज उन्हां दी रसना तो दरगाही प्रवचन सरवण करन दा सुभाग प्राप्त होया बहुत वड्डे भाग ने अपने कल नूं इस अस्थान ते खंडे बाटे का अमृत त्या छकाया जाना इस अस्थान ते कल नूं खंडे बाटे का अमृत छकाया जाना जिन्हां गुरमुख प्यारिया ने जिन्हां सिख संगतां ने अजे तक अमृत पान नहीं किया गुरु साहबां दे पुत्तर धीआं अजे तक आपां नहीं बने कल नूं अमृत छक के आपां गुरु साहबां दे पुत्तर अखवाउण दे काबल बन जाइए धर्म की खातर पिता वारिया वारे पुत्र चारे दो नीहां दे विच चिने गए दो रण दे अंदर वारे माता पुछे किथे है मेरे दिल दे टूटे चारे कहिंदे उहनूं दे दित्ते जिस तों लए सन उधारे सारा ही सरबंस चार पुत्र माता पिता सारा सरबंस गुरु साहबां ने अपनी खातर आपां नूं कठियां बिठाउण की खातर सरबंस शहीद करा दिता अपना परिवार गुरमुखों शहीद करा दिता गुरु साहबां ने आपां नूं खालसा रूप बख्श दिता इस तरह आपां इकत्तर इस तरह आपां कदे इकट्ठिया नहीं बैठ सकते सां इह तां गुरु साहबां दी देण है मालक बाबा जी अपनी रसना तो मोल लाउंदे ने भाई बई जे गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर सच्चे पातशाह महाराज उन्हां दे चरणां दे थले अपनी खलड़ी लह के विच जावे आपां सारी जिंदगी उन्हां दा करजा नहीं दे सकते महाराज गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर सारा सरबंस गुरमुखों अपनियां अखां दे सामने शहीद करा लिया अपनी दृष्टि दे सामने गुरु साहबां ने अपना सरबंस शहीद करा लिया आपां देखिए कि जिस वेले गुरु महाराज जी ने आनंदपुर साहब का किला छड़िया सरसा नदी के किनारे ते पहुंचे गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर सच्चे पातशाह तीन पासियां तो दुश्मन दुश्मनां ने घेरा पा लिया तीन पासियां तो दुश्मनां ने बाई धार दे राजे राजियां ने घेरा पा लिया चौथे पासियों वह सरसा नदी दुश्मन बन के खड़ गई वह ठंड का समा सी बरसात सी ना ठंड तो बचण दे लई सिंघां दे कोल कुछ वस्त्र सन ना कोई वस्त्र सी ना कोई अगे वधण दे लई कोई ना अपनी मंजिल पाउण दे लई घोड़ा सी पैदल चलना पैंदा सी ना दुश्मनां दा मुकाबला करन दे लई कोई शास्त्र सी ढिड्डां तो भुखे सन साढ़े छे महीने हो गए सन कुछ छकिया नहीं सी कोई प्रसादा नहीं छकिया सी बस छोले खा के पानी पी के कच्चे छोले खा के सिंघां ने गुजारा किया फिर भी दुश्मनां दे मूँह मोड़ के रख दिते मूँह मोड़े उन्होंने गुरमुखो अमृत छकिया जिन्होंने अमृत छकिया बाबा जी बचन कर रहे सन भाई बाबा दीप सिंह जी महाराज मूँह मोड़ गई मौत वो हूणी भी पासा करके गुरमुखो जिन्होंने अमृत छकिया आपा कल नूं अमृत छक के गुरु साहबां दे पुत्र बन जाइए गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर सच्चे पातशाह दे बारे एक विद्वान लिखता कहिंदा की सिफत करां दशमेश दी की सिफत करां दरवेश दी आखे की सिफत करां दशमेश दी की सिफत करां दरवेश दी जिन्हें पिता शहीद कराया सी देश दे लेखे लाया सी ओ जंग लोक की धर्म कलेश दी की सिफत करां दशमेश दी की सिफत करां दशमेश दी आ सिक्खी दा जो महल तैयार खड़ा अज आपां इत्थे बैठे हाँ क्यों बैठे हाँ आ सिक्खी दा जो महल तैयार खड़ा इहदी छत ते जीत जजार खड़ा जोड़ा नीहां दे विचकार खड़ा की सिफत करां दशमेश दी
ਕੀ ਸਿਫਤ ਕਰਾਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਬੰਸ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਕਦਰੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਉਹ ਠੰਡ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੰਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੰਜੇ ਪੈ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਕੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦੀ ਛੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਕੇ ਉਹ ਟਿੰਡ ਦਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਲਾ ਕੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਕੇ ਇਕੱਲਾ ਜਲ ਛਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਖੂਹ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਚਾਣਨੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਰਾਜਦੇ ਸਨ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਗੀ ਸਜਦੀ ਸੀ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੀ ਉਹ ਟਿਕ ਟਿਕੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲੀ ਤਲਵਾਰ ਮਿਆਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਾਛੀਵਾੜ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੀ ਖਾਤਰ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਕਦਰੇ ਨਾ ਹੋਈਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਤ ਹੈ ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖੋ ਇੱਕ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਉੱਥੇ ਫਸਲ ਉਗਾਵੇ ਨਾ ਉਸਦੀ ਕਦਰ ਕਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਲਾਏ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੱਤ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਦਾ ਮੋੜਾਂ 'ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਪਰ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਵੀ ਹੁਣ ਵੱਤ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋਤ ਨਿਕਲ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਪੱਲੇ ਪਛਤਾਉਣਾ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਮੋਹਰ ਲਵਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਆਓ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਸਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਮਾਲਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬਚਨ ਪੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੀਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਕਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾਕ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆਂ ਦਾ ਥਾਂ ਪੈ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਓ ਕੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀਓ ਆਓ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਿਵਾਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਦੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇੜਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿੱਖ ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸੋਭਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਆਹ ਚੋਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਪੀ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿਹਦਾ ਕੀਤਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਉਧਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣਾਂਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਂਗੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਗੁਰੂ ਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਹੋਵੇਗੀ ਸੰਗਤਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦੀਆਂ ਭਾਈ ਬੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਮਲਾਹ ਬੈਠਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਇਸ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਭਾਈ ਸਹਿਦਾ ਮਲਾਹ ਸੁਣਦਾ ਭਾਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਬਈ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਜਦੇ ਨੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਮਰਨਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਹੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੱਟ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਸੁਣਦਾ ਭਾਈ ਸਹਿਦਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਿਆ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਐਡੀਏ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਹੈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਚਲੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ। ਉਸ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਆ ਕੇ, ਸਹਿਦਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਮਲਾਹ ਵੇੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਮਖੌਲ ਕਰਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਸ 'ਤੇ 1,25,000 ਦੀ ਕਲਗੀ ਸਜਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਭਾਈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਵੇੜੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਸਿਦਕ ਦੇ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਰੱਬ ਉਹ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਗਿਆ ਆ ਕੇ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਦੇ, ਕਿਹਾ ਸਹਿਦਿਆ ਵੀ ਲੈ ਚੱਲ, ਤੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ, ਲੈ ਚੱਲ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਵੇੜਾ ਲਿਜਾਣਾ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਹਿਦਾ ਨਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਵੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆਂਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਸਹਿਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਵੇੜਾ ਲਾਇਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਹਿਦਿਆ ਕੀ ਚਾਹੁਣਾ ਮੰਗ ਲਿਆ ਸੀ? ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਤੇਰੇ 'ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਲਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ, ਆਓ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ, ਵੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਵੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਵੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਤੱਕਿਆ ਭਰੋਸਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਵੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਸੱਚੇ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲਾ, ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਖੇਲਾ, ਗੁਰਸਿਮਰ ਮਨਾਈ ਕਾਲਕਾ ਖੰਡੇ ਕੀ ਬੇਲਾ, ਪੀਵੋ ਪਹਾੜ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹੇਲਾ, ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਖਾਲਸਾ, ਮਨਮੁਖੀ ਦਹੇਲਾ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਸੁਹਾਓ ਮਾਈ ਭਾਈ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ। ਅੱਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਹਨ, ਪਰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਜੇ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਹਾਜਰਾ ਹਜੂਰ ਜਹਰਾ ਜਹੂਰ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਬੋਤ ਨਾਮ ਕੇ ਜਹਾਜ, ਹਾਲਤ ਪਲਤ ਕੇ ਰਾਖਕ, ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਕੇ ਸਹਾਇਕ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀਤੇ
ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮੰਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਵੋ ਪਹਾੜ ਖੰਡੇ ਧਾਰ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੌਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਬਨਾਉਟੀ, ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਸਾਡੀ ਬੱਚਤ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖੇ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ 22 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਮਾਈ ਭਾਈ 5 ਕਕਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਲਾਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਹੀ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਮਰਦਾਨਾ ਵੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੈ ਲਾਡ ਚੌਧਰੀ ਅਤੇ ਸੱਥ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਘੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪੁਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਤੱਕ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਚੌਧਰੀ ਉਹ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਰਮਤਾ ਸਾਧੂ ਆ ਕੋਈ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਸਾਧੂ ਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੌਧਰੀ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, 70-72 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੱਤ ਲੱਗੀ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ, ਜੋ ਬੀਜਿਆ ਸੋ ਖਾਏ। ਹੁਣ ਬੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ, ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ। ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਾ ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਵੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਚੌਧਰੀ ਹਾਕਮ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਾਣਗੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਪਾਲੜਾ ਭਾਰਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮੀ ਆਏ ਹੈ, ਦਾੜੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਉਮਰ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੀ 60-70 ਸਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਜੀ। ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਦੇਣੇ ਲੈਣੇ ਦੇ ਸਰਬੰਧ ਆ, ਮਾਇਆ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਛੱਡਦੇ ਚੋਰੀ ਠੱਗੀ, ਆਖਰ ਤੂੰ ਪਛਤਾਵੇਂਗਾ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਜਦ ਲੇਖਾ ਮੰਗ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਬੰਦਿਆ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ, ਰੋਵੇਂ ਤੇ ਕਰ ਲਾਵੇਂਗਾ। ਦੌਲਤ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੱਦੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਨਮ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟ ਪਾਏ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਰੀਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਕਰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਸਿਵਿਆਂ ਤੱਕ, ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਬੂਟ ਪਾਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਾਪੂ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਜਾਂ ਤਾਇਆ ਜਾਂ ਫੁੱਫੜ ਨੰਗਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਬੂਟ ਪਾ ਦਈਏ, ਚੱਪਲਾਂ ਪਾ ਦਈਏ,
क्यों सब नूं पता भी सिवियां तक ये तो जुत्ती अपनी सामी नहीं जानी ते अंदर झाती मारो जो तो जुत्ती जोड़ा तेरे नाल नहीं जाना ते तू सामे नहीं है सामेगा फिर की सामने वाला चीज तीसरे पाशा के ये मन प्यारिया तू सदा सच संभाले तीसरे पाशा का शब्द यह कटंब तू जी देखदा चला नहीं तेरे नाले साथ तेरे चला ना ही गुरु महाराज फरमाउंदे साथ तेरे चला ना ही तिस नाल क्यों चित लाइए ऐसा काम मूड़े ना कीजा जित अंत पछताई सतगुर का उपदेश सुना तीसरे सतगुर नानक फरमाउंदे है सतगुर का उपदेश सुन होवै तेरे नाले कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले गुरु महाराज कहते चौथे पातशाह सतगुर का जो सिख अखाए भड़के उठ हर नाम त्याए गुरु जी कहते भड़के उठ हरि दा नाम हुण गुरु धारिया हो तो फिर ता ही जपेगा हर नाम त्याए हजूर कहते उद्दम करा सिख नूं उद्दम दिता भड़के प्रभाती इशनान करा फिर अमृत सरना गुरु महाराज फरमान करते हैं चौथे पातशाह पंचम पातशाह की फरमाते हैं हजूर पातशाह ने बहुत सौखे ढंग की बाणी जो रोज असी रह रास विच पढ़ते हैं शब्द उच्चारण किया उस प्रथाए एक सेठ आया पंजवें पातशाह दे कोल उन्हें लिया के माया मथे मत्था टेकती खुरजी बोरी गुरु जी कहते किवें आया कह लगा जी दान करना आया माया का दान गुरु महाराज कहते ऐ कर गंगा ते जावड़ा जाके पंडतां नूं दान कर दे पंडतां नूं दान लगता है या गरीबा नूं या मरासी नूं दान लगदा गुरु महाराज कहण लगा नहीं महाराज मैं इत्थे माया देनी है गुरु जी कहिंदे कोई मंग कहिंदा मंग ये है वी मैनूं थां दिओ दरगाह दे विच गुरु जी कहिंदे इस माया नाल तैनूं थां नहीं मिलदी उत्थे बहुत सौखी पौड़ी श्लोक उच्चारण करता शब्द गुरु महाराज ने जो तुसीं सारे रह रास च सुणदे भी पढ़दे भी हो गुरु महाराज की कहिंदे अंतर गुर अराधना जे थां लैणा ते दरगाह च गुरु जी कहिंदे गुरु धार के गुरु दे शब्द दी अंदरों सच्चे इरादे नाल अराधना कर पंचम पातशाह अंतर गुर अराधना जे वह जीव जीवना जपना चाहिए कई माड़ा कम घकाई जाणगे ते आसे पासे झाकी जाणगे आओ आ गया आओ चलिया गया ओहदा कद निका जाइए ओ किड्डा लंबा ओहदे लीड़े किहो जे आ ओहदे चग्गा होर पाया ओहदे पजामा होर पाया फिरदे होणगे ऐ ते माड़ा फेरी जाणगे माड़ा दिल विच कुंडी पापदी ते हत्थ विच माड़ा काटदी गुरु महाराज कहते नहीं जे वह जब मन मन के अंदर जीव न सिखाना जीव ना जपना चाहिए जे वह जब गुर नाम गुरु का नाम नेत्री हजूर कहते अखा के नाल वेखना चाहिए तकना चाहिए गुरु महाराज बैठे गुरु जी नेत्री सतगुर वेखना सेठ नूं गुरु जी वचन करदे सरबणी सुनना करना कन्ना दे नाल सतगुर सेती रत्या सतगुर सेती रत्या
शब्द दे नाल अभ्यास नाल मूह धारण दे नाल अमृत छकण दे नाल सतगुर सेती रत्या दरगाह पाई है। आ वेखो दरगाह पाई है। इत्थे अज कई प्रेमी आए सीगे ते उन्हां नूं कहा अमर छक लो। बहुत जिहड़े पाकिस्तान चो प्रेमी आए हुए है अज आए सी कई दाड़े बन्ने हुए है ते उम्र 70-75-40-50 साल की उम्र है कईआं दी ते अमृत नहीं छके जो दाड़ा रखे गुरु के घर जन्म ले लिया तो आपका घर छड के आप होर कि तुरे फिर गए तो अंत मौके कही है भी अपने घर जो घर तो उजड़ जाऊगा जे घर रवे तो घर बसू ना एक रात जिंदा ला दिए तो तीजे दिन आइए घर के मिट्टी कट्टे ना भर जाते एक रात ही तो जे आप सारी उम्र ही अमृत ना छकी ते अपने जिते गुरु जी ने घर बैठे आनंदपुर आनंदपुरी शब्द के नाल ना जुड़िए अमृत ना छकीए नितनेम ना करिए तो फिर तुसी सोचो उत्थे तां रूड़ी लग जाऊगी रूड़ी लोगों ने रूड़ी ला देनी है असी आपदा घर छड्डी फिरदे हां किहदे घरे वसदे हां इतों जो कलयुग का राजा वो नौकर बने फिरते हैं माया के नौकर पर हजूर पातशाह पंचम पातशाह सेठ नूं कहिंदे ऐ माया ना नहीं था मिलना गुरु जी कहते नेत्री सतगुर वेखना सरबणी सुनना गुर नाम सतगुर सेती रत्या हजूर कहते दरगाह पाई है दरगाह पाई है कहो नानक अरदास करे तुसी भी अमृत दात मिले सच्चे पातशाह हजू कहो नानक कृपा करे कृपा कर पातशाह मेरे ते जिसनू यह वत दे जग मैं उत्तम काढ़ी है अमृतधारी गुरु नाल जुड़न जोड़न वाले विरले विरले है जग मैं उत्तम काढ़ी विरले हजूर बोलदे आ विरले गई के गुरु महाराज पांचवें पातशाह कहते गुरु धारण कर जिहड़ी दान की गल है गुरु जी कहते दान क्यों करना माया क्यों दान करना उन्हें आख्या जी माया सेठ सुदागर ते सुदागरी करके आ रहे सी घर ते रास्ते मिल के डाकू ते डाकू नूं पता लग्या वी इह सुदागर है पैसे इहदे कोले ते मैनूं उहनां ने पकड़ लिया पकड़ के गल दे विच दुपट्टा पा रहा ते मेरा गल घुटदे सी कहिंदे मार के दरख्त नाल बांधना तैनूं सारी माया दे दे आ जिहड़ा तेरा सोना छापा छूपा पाईआं सारियां ला दे कहिंदे मैं याद कीता देवी देवतिआं नूं बहुतियां नूं याद कीता मीआं नूं याद कीता बाबा जंड वालिआ तेरे गुलगुले चढ़ू गुलगुले होर देवियां नूं आखिआ तेरा भुजिआ वधाणा वंडू हनुमान नूं आखिआ तेरा यांगीए चढ़ू मेरे कुटले वालिआ नूं आखिआ तेरा बकरा दे के आऊं नगाहे वाले नूं आखिआ तेरा हरा लीड़ा पा के आऊं कबर ते जो कोई ना पहुंचा तो मेरे सह छाती ची रह गए फुरना बनिया गुरु नानक की गद्दी वली है जो सारा धन जाता दिसे तो अद्धा देव लटा सच्चे पातशाह कृपा करो आप गुरु नानक समर्थ हो मौके के मालिक तो कृपा करके मेरी जान बचाओ जान बचाओ। जो मैं गुरु वाल सुरती की ते गुरु मौके दे मालक ने कीती कृपा फिर उन्हां नूं दिसणो बंद हो गया गुरु साहब नूं दसदा सेठ दिसणो बंद हो गया मैनूं कहिंदे किहनूं याद कीता मैं कहिंदे मैं आपदे गुरु नूं याद कीती तेरा गुरु किहड़ा मेरा गुरु गुरु नानक साहब है गुरु नानक साहब है उह सारे छड के भज गए दुपट्टा गल चो खोल तो फाहे दे रही फाहे
गुरु सच्चे पातशाह जी मैं सुखना सुखी सी भी आप जी को माया लेके आया। गुरु जी कहते तू कहना मैं तेन दान करना है। गुरु जी कहते दान तो तेन असी किया, तेन पाए लगन तो बचाया, तेरी जान तो असी बचाई है, तू सानू दान की कर सकता। गुरु जी कहते तू कह मैं सेवा करनी चाहना। अज जिहड़ा भी पक्का सिख है उन्हें गुरु साहब ने यूं नहीं कहना मैं तेन दान करना है, आप वड्डा नहीं बनना ना, आप तो यूं कहना गुरु जी मैं तेरा सिख हाँ, असी सिख वाला रिश्ता रखना गुरु पातशाह जी ने, मैं तेरा सिख हाँ ते मैं सच्चे पातशाह तेरे घर की दसवंध की सेवा करनी चाहना कर रहा। ये नहीं कहना मैं तेन दान गुरु नहीं, यह सतयुग द्वापर त्रेते दियां मर्यादा कानून है ना। उदो देवतियां दा वासा सीगा, हुण गुरु दा पहरा नानक पातशाही चल रही है। हुण गुरु नानक दे दरबार विच आपां इह नहीं कहना मैं दान करना। गुरु महाराज चरण ते सेठ ने मत्था टेकिया, चरणा दी भौल लई वाहिगुरू दा जाप। गुरु महाराज कहिंदे सेठ जिस काम नूं दुनिया ते आया सी तेरा काम संपूर्ण होया, असीं खुश हाँ। जदों तेरा अंत दा समा आया तैनूं दरगाह विच थां मिलेगी। उह पौड़ी गुरु जी ने सलोक उचारण कीता शब्द आपां रह रस विच पढ़दे हां, बहुत सौखी बाणी है। इस करके मैं उह विचार कर रहा सी। गुरु महाराज बाबा जी गुरु नानक साहब कहिंदे सेठ चौधरी साडा वचन मन गुरु वाला बन। वो कह लगा जी तुसी तुरदे लगो, मैं नहीं गुरु धारन ते मैं नहीं नाम जपना, लोड़ ही नहीं है लोड़। जदों बाबा जी कहिंदे लोड़, आपां इन्नी महंगी ना चंगी तरह टका के सुरती ना पढ़दे नहीं। पहली पौड़ी बाबा जी ने जपजी साहब विच गुरु जी कहिंदे सोचा सोच ना हो बई, जिहड़ियां तू सोचा सोची जाना ना गुरु जी कहते तेरिया पूरिया नहीं होने, तू बुढ़ा हो जाएगा, तेरा शरीर घास जू, दिमाग घास जू, घास सोचा सोच दिया। गुरु जी कहते सोचा सोच ना हो बई, जिहड़ी सोच तू सोचदा सोचनी सी वो तो सोचियो ही नहीं भी एक दिन दुनिया तो जाना मरना भी गां का बीजना गां का कुछ बनाना दरगाह के थां बना, मरना तो है, मरना सच है जीना झूठ है। सोच तो तू पूरी ये तेरिया सोचा झूठिया, जे सोची लख बार। हजूर कहते चुपा चुप ना हो बई, जे लै रहा लगता गुरु धारिया ने चुप ते शब्द केड़ा चलू, गुरु गुरु किनू कहेगा। गुरु जी कहते चुप के नाल भी गुरु महाराज खंडन करते हैं, तू दरगाह नहीं जा सकता। गुरु जी कहते भुखिया भुख ना उतरी, जिते जमया सी रोन लग्या जन्म लैन सारी, तो करते की कहते दुध चंगाओ, मोह नूं दुध लाया नहीं तो चुप किया नहीं, चुप कर गया ना। पर थोड़ा चिर बाद फिर दुध हजम आ गया, पेशाब आ गया, किरिया फिर रोन लग गया, फिर दुध चंगाओ, फिर गया। ये अंत मौके ही करता है, अंत दे समझदा है। पढ़ाई की भुख है, फिर काम की भुख है, फिर ब्याह की भुख है, फिर पुत की भुख है, फिर पोते की भुख है, भुखा भुखा ही विकरी जाता। मैं भुखा उम्र हो गई भी कहते सोचा में बह गया, हुण करा मैं की। 20 साल का सोचा जी च बह जाता, तो उम्र हो गई 30, चलो एक हो गया पुत ते हो गई एक 30, उम्र हो गई 40 ते गल च पैगी 45 पैगी गल च,
उम्र हो गई 50 हुण लैंदा लम्मे साह चढ़न लग गया साह चढ़दा लाई कई गल टल गया शरीर उम्र हो गई 60 कहिंदे हुण डिगस ते दर्द करदा लक उम्र हो गई 70 खांदा तां बहुत आ पर दिनों दिन सुकदा जांदा जिवें सुकदी लकड़ सुकदा जांदा उम्र हो गई 80 कहिंदे दुध नूं आखे लस्सी बे समझी कई मौके रिश्तेदार आ जांदे आ मामा नाना तेरिया पोत नूं हां सेवा करदी पुछो ना मैं बहुत औखो पानी पा पा दिंदियां दुध च सारी रात मरदा मिशाव करदा उम्र हो गई 80 दुध नूं आखे लस्सी उम्र हो गई 90 ते गल ना कोई पवे कहिंदे चुप बोल हुण नहीं किसी ने तेरी गल सुननी बस 100 ते तां पहुंचदे नहीं पर वेद शास्त्र दी एक कहावत लिखी है की कहिंदे उम्र हो गई 100 ते घर दे कन्न कोले हो गए कहिंदे बुढ़िया हुण तां मगरों लहो ला इन्नी कु गल लखे लाए इन्ना ही तमाशा लैना जाना मरना गुरु महाराज फरमाउंदे आ भुखिया भुख ना उतरी जे बन्ना पुरियां पा सैस सियाणपा लख हो है हजूर कहिंदे सैस सियाणपा लख हो है ते इक ना जल्ला नाल इत्थे इक साखी दित्ती है सैस सियाणपा लख हो है एक विद्वान सी ते बड़ा विद्वान सी जादे ते उदा नाम सी अफलातू चिलाक चुस्त उनु विद्या दे बल ना पता लगन लगा मेरी रेखा ते उम्र इन्नी है इन्नी उम्र रहिंदी है उन्हें के 12-12 फुट का कमरा बना लिया ते कमरे दे विच सास अपने वर्गियां मूर्तियां बना लिया उवें हूब पत्थर दियां ते जिदे उहदा टाइम आया ना मरन दा उहो जे लीड़े पा के इको जे ते विच खड़ गया धर्मराज ने हुक्म करता 2 जमजूत भेजदे जाओ फलाने पिंड विच फलातूआं नूं लै के आओ 2 जमजूत आ गए एक कोले हथ कड़ियां सी ਤੇ ਕੋਲੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ ਜਦ ਜਾਮਦੂਤ ਆਏ ਤੇ ਉਧਰ ਕਮਰੇ ਚ ਵੜੇ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਚ ਵੜੇ ਤੇ ਜਾਮਦੂਤ ਘਬਰਾ ਗਏ ਜਾਮਦੂਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੱਕੋ ਜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਸਾਰੇ ਨੇ ਚਿੰਬੜ ਜਾਣਾ ਆਪਾਂ 2 ਹੈ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਿਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮਰਾਜ ਕੋਲੇ ਮੁੜ ਗਏ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਖਾਲੀ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੋ ਤਾਂ ਫਲਾਤੂ ਖੜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ ਲਿਆਈਏ ਧਰਮਰਾਜ ਜਾਣ ਗਿਆ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਵਾਲਾ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬਚਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਡਿਆਈ ਨਾ ਇੱਕ ਨਿੰਦਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ ਮਰਦਾ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ 250 ਸਾਲ ਦੇ ਗੋਰਖਨਾਥ ਨੂੰ ਤੇ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਗੋਰਖ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਗੋਰਖ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਤੂੰ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰੇਗਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਮਾਰੇਗਾ
ते कई मौके अपने घर च विआह हुंदा ना ते आपां कहिंदे अपना भाण जा बाहरों आया भतीजा भी आपां थोड़ी मदद ले ली ते उं जे रिश्तेदार नाल टुटना होवे ना ते जा पैसे दे दे ते जा लै लो बस फिर थोड़ा टाइम ही लंघूगा थोड़ा टाइम लंघेगा पर कई मौके आपां कहिंदे विआह मदद लै लो कई बिचों एक घर का बंदा उन्हें सूने की देना कई बिचों एक घर का बंदा को तू जा तो सही बड़ियाई बड़ूई करी उन्होंने पंप पुंप मारी जो पंप मारेगा आपे बाली वाले को फुल जूगा कोस्ता चढ़ूगा एक गल याद करना वचन देखो ते बाबा जी गुरु नानक साहब नूं कह लगा धन नानक तेरी वड्डी बाबा जी कहते बस हुण आपां तो सप्रीमेंट कढाउणे आ वी मैं सिओ मैं बाबे मैं गुरु मैं पीर ते गुरु नानक साहब कहते बस मेरी वड्याई ना कर कहते करा क्यों ना बाबा जी कहते कोई ठगी मारेगा मैनू ऐ लगता कुछ करे बाबा जी कहते जे वड्याई करदा क्यों करदा कह लगा वड्याई इउं करदा मेरे कोल वी चेले बहुत है मेरे कोल चेले है सिद्ध चौरासी नाथ सिरे दे आ पर उन्हां तों वी तू सिरे दा है सिरे दा ते मेरी एक बेनती है भी मैं हो गया बुढ़ा होर कहिंदा भी हुण सानूं शरीर पर आप जी वर्गा नहीं कोई मैनूं नजर आया ते मंग कोई है भी तू मेरे पंथ दे विच रल जा मुंदरां पा ला ते सुहा मार ला ते केस पिछा नूं सिट ला बाबा जी कहिंदे बस होई होई गल मैं जान गया पहला तू मेरी वड्याई खुशी कर जो किसी नूं पसाउणा होवे वड्याई ना वड्याई गुरु नानक दी अरदा वड्याई जे करनी है तो गुरु नानक दी सुननी है तो गुरु नानक दी वड्याई सुन सच्चे पातशाह ते की आख्या धर्मराज कहिंदा दुनिया दो गल्लां नाल मरदी है भवां फलातू विद्वान है कमरा उन्हें भर लिया जमदूत कहिंदा जी पता नहीं लगता विच किहड़ा धर्मराज कहिंदा तुसीं जाके वड्याई करो उहदी ते वड्याई करो वड्याई करदा करदा एक विचों निंदिया कर दिओ निंदिया कर दिओ बस तुहानू भालण दी लोड़ नहीं उहने आपे ही आ जाणा बाहर आपे ही बाहर आ जाणा इत्थे बाबा जी कहिंदे सहस सियाणपां लाखो है ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਚੱਲਾ ਨਾਲ ਪੜਦੇ ਆ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆ ਵੇਖ ਪਰਮਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਿਓ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਦਿਓ ਕਰਿਓ ਨਿੰਦਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਿਓ ਭਲਾ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਜਮਦੂਤ ਤੇ ਜਮਦੂਤ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਾਲੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਆ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਮਾਤਾ ਤੇ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਹੈ ਤੇਰੀ ਕਮਾਈ ਉਹ ਫੁੱਲ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਵੀ ਜਮਦੂਤ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਐਂ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਜਮਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਇਹ ਮੂਰਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਪਰ ਆਹ ਮੂਰਤੀ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਿੱਲੀ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਨੱਕ ਵਿੰਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਵਿੰਗਾ ਨੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੜਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਜਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਵਿੰਗਾ ਬਸ ਇੱਥੋਂ ਵਿੰਗਾ ਹੁਰਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਤੁਰੇ ਸਹਿਸ ਸਿਆਣਪਾ ਲਾਖੋ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸਿਆਣਪਾਂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਵਰਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਅੜ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਜੇ ਆ ਹੋ ਜੇ ਆ ਹੋ ਜੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਆ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਆ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ
सौदे है करमा नाल साधु मिलते करमा सौदे है करमा नाल साधु मिलते करमा से सौदे है करमा नाल साधु ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਆ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੈ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਾਧੂ ਮਿਲਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਹੈ करमी करमी होए विचार करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तुसी साह ला लो भी कर्मा दे सौदे ही कोई माड़ा साधु मिल गया तेरे माड़े दिन लिया दे असि उत्ते रायपुर पिंड दवान ला रहे सी शहर ते रात नूं असि आ रहे सी ते लोपो पिंड है साडे नेड़े उत्ते उत्ते जदों आ रहे सी ते इक सड़क दे विच गर्मी बहुत सी ते सड़क दे विच संत पिया लीड़े भगवे पाए एक चेला राम ओदी पक्खी करी जावे चल मरी जावे ते भाई साहब गड्डी चलाउंदे सी गड्डी रोक के मैं की गल कहिंदे कोई संत पए असीं शीशा खोलिया ते उहनूं सद्दिया वी की गल कौन महापुरख है की गल ओह कहिंदे गल कोई नहीं जी महापुरख पहुंचे होए तुहानूं कहिंदे पहुंचे होए महापुरख मैं क्या आपां भी हजे लोपो तो बदनी जाना भी आपां भी दर्शन कर लिए भी पहुंच जाऊंगे अस गड्डी च उतरे जो वेख मुश्क आवे मुश्क लंगोट पहनिया सी ते सास बिछा विच निकलिया पिया चेलिया ने भी बलियारी जाइए कहिंदा पहुंचे वे देखो मुश्क है मैं शराब पीती है कहिंदा ना ना कहिंदा पंज रतनी सखी भी है पंज रतनी वेखो हैरान किड्डा कर्म माड़ा जे कोई संगत कर ले पठा बहजू कहीं बहजू देखो सोचो ते बाबा जी ने कोई निकल दिता गल्ला करदा संसार बाबा जी कई मौके कहिंदे सी कोई आउना कोई शेरपुरे दा ते मैं बाबयां दे नाल ही पार हो जाऊं बाबा जी कहिंदे सी कोई आउना कहे बदली नानकी आ वी मैं पार हो जाऊं कोई उन्हें कह बाबा जी मिस्त्री है तो मैं मिस्त्री के नाल ही पार हो जाऊं नहीं, नहीं बाबा जी कहते जिहदा रिश्ता आनंदपुर वाले कलगिया वाले नाल उहदा रिश्ता मेरे नाल ते जिन्हें अमृत छक लिया नितनेम किया जिथे मैनू थां मिलू उन्हों भी उत्थे ही थां मिलू ये कर्मा दे सौदे है ना मेरे चंगे कर्मा दे नाल चंगे कर्मा दी निशानी मना मेरिया ते मेला होया साधुआं दा चंगे कर्मा दी निशानी हजूर कहते बिन कर्मा कुछ पाईया नाही जे वो तेरा धावा लभ लोभ हंकार की माती माया मैं समाण इन्नी बाती सौ पाईया नाही भाई कावणियाणी जाए पुछो सुहागणी भैणे किन्नी बाती सौ पाई किन्नी बाती पति परमेश्वर नूं पाई है गुरु महाराज फरमाउंदे आ सहस सियाणपा लख होवै तां इक ना चलै नाल गुरु जी की फरमाउंदे गा किव सुचियारा होई है गुरु जी कहिंदे जन्म लै के सुचियार नहीं है हजे तूं ਐਵੇਂ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਹੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਸੁਚਿਆਰ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿਵ ਸੁਚਿਆਰਾਂ ਹੋਈਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਜੂਠਾ ਹੈ
सुचा किवें होवेगा? गुरु जी ते किव सुचियाना होई है, किव कूड़ा 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 टुटा पाल तेरे अंदर तो रूड़ी लगी पी है। बाबा जी कहते पाल कंध, गुरु जी कहते कंध के उत्तों की रूड़ी सारी सिटेगा, कंध टुटूगी ते ता मन की सफाई। सिख ने हथ जोड़े, हजूर कृपा करो फिर किमें सचियार बना, किमें कूड़ की टा कंध विचों निकलना। इत्थे भी तुख ते एक साखी दिती है कवि संतोख सिंह, यह गल कहिंदे आ, कहिंदे जीव रूप खूह विच बैठा डड्डू, जीव रूप बंदा खूह विच बैठा डड्डू ते उड़दा उड़दा हंस आ गया, खूह दी मौण ते बह गया हंस। हंस ने मारी निगाह, हंस रूपी महापुरख वो कहन लगा डड्डू आ तैनू अमृत कुंड ते लै चलना। ते डड्डू ने खूह जी विशाल मारी, डड्डू ने खूह जी विशाल मारी, मार के कहन लगा हंस रूप तेरा अमृत कुंड एदू वड्डा, अमृत सरोवर एदू वड्डा। कहना हाँ एदू वड्डा। डड्डू ने एक होर छाल मारी, जदों छाल मारी कहिंदा इदों भी वड्डा, कहिंदा हाँ इदों भी वड्डा, अमृत सरोवर इदों वड्डा। डड्डू ने तीजी जो छाल मारी ना उहदियां नासां ते खूह दे कंध दे विच वज्जियां मौण च, कहिंदा ओ हंस एडे एडे झूठ, मैं तां तिन्नां छालां दे विच ही अमृत कुंड जिहड़ा आपदा मिणता। ते बाबा जी कहिंदे चौथी छाल मार ला, कहिंदे जगह ही है नहीं चौथी छाल, तिन्ना सालां तिन्ना छलां दे नाल नासा भज गई। पहली छाल तां साडी इही है विआह होवे बस, दूजी छाल भी जवाक होवे, तीजी छाल माया होवे। चाहीदियां तिन्न चीजां, इउं नहीं भी नहीं चाहीदियां, पर चौथी छाल भी मारनी चाहिए। अमृत कुंड ते ही पाए अमृत छक के गुरसिख बनना चाहिए। गुरु जी कहते आ ते जिहड़ा अमृत नहीं छकदा, कहिंदे खूह दे विच बैठा डड्डू छाला मारी बस यही। ते की आख्या कि कूड़ा टुटे पाल, सिख बेनती करदे किवें कूड़ दी कंध तों पार हो के मैं छाल मार के निकल सकता है। हजूर कहते हुक्म बाबा जी तेन गुरु धारना पैना, हुक्म रजाई चलना, हुक्म ते रजा विच चलना। गुरु जी कहते नानक लिखिया नाल, गुरु जी कहते जब जन्म लिया ना, जन्म लैन सार मैं गुरु जी कहते तेरे कागज बनाते। जो गड्डी आप लें ना, गड्डी भला करोड़ की लै ला, पर जिन्ना चिर कापी नहीं बनती वो कख की गड्डी नहीं है, कख की नहीं है। तू किन्ना सोहना हो जा, किन्ने महल माड़िया बना दा, पर जिन्ना चिर तेरे को शब्द का अभ्यास नहीं है तो तेरे शरीर की गड्डी भी कख नहीं है। बाबा जी डूंगा वचन करते हैं, नानक लिखिया नाल गड्डी का नंबर सारा कुछ, वो गैड जी होंगी है तो लिखिया पढ़ना पैंदा भी आ गड्डी इस तरह चलूगी, तेल पानी डीजल सारा वेखना पैंदा, सारा ड्राइवर कोले होंदी है वो, ते इस मशीन का ड्राइवर है मन, ते मन कोले होना चाहिए शब्द, ते शब्द अभ्यासी होना चाहिए सानू। बाबा जी कहते तू पुछे किवें सुचियार बनो, कह कूड़ा टुटा पाल हुक्म, गुरु जी कहते हुक्म रजाई चलना। आ जिहड़े कापी है ना गड्डी दी, इहनू सामभ के रखी गड्डी भला ना सामी, जे कापी हुई तां गड्डी गुआची भी दिया जाऊगी, जे कापी ना हुई
तक गड्डी थियाई भी फड़ी जाऊ सने गड्डी सने तू अंदर हो जावेगा, अंदर हो जावेगा जाने कुंभी नरक नु जावेगा, नरक नु जावेगा। ते जे कदे होई कापी फिर तेन कोई बुलाने वाला नहीं, पता किन्ने खड़े पहरे किन्ने बैरियर लगे हुए तू नंघ जावेगा। गुरु जी कहते नानक लिखिया जिते तू जन्म लिया मैं उदे गल लिखती सी, नानक लिखिया नाल तू झूठा है सुचा ता बनेगा सुचार दी संगत कर। किसे सुचे जीवन वाले किसे रब दे आशिक प्यारे दी संगत कर। कूंज बिछड़ गई संगते नालो भाई नंद लाल दी गजल है, कूंज बिछड़ गई संगते नालो दस अगे कौन मिलावे, कूंज बिछड़ गई संगते नालो दस अगे कौन मिलावे। ऐसा कोई रैवर भेजो जेड़ा वाहेगुरु तेरे नाल मेरा मेल मिलावे। मूह जो वाहेगुरु कहना बहुत गल औखी है, कितने संगत का रंग चढ़े फेरी मूह जो निकलता, तो जे निकल जाए तो वेखो साह संगत। भाई पुराणा जी की संगत की, गुरु जी ने कावल भेजता जी पुराणा सिख, गुरु अंगद साहब तो लैके पंजवें पास छेवें पातशाह तीन होया भाई पुराणा सिख, बड़ी सेवा की। ओदा पुराणा नाम तां पै गया तीसरे पातशाह तो चौथे पातशाह को, चौथे पातशाह सहज सुभाए कहते जे कोई सेवा की गल कर भाई वह पुराणा सिख है पहला रहा भाई पुराणा सिख ही बन गया, उन्होंने पुराने सिख न पालो। गुरु अंगद साहब तो सिख इतिहास का नाम भाई पुराणा सिख ही होगा। भाई पुराने गुरु जी ने काबिल भेजता से पंजवें पातशाह जी ने, उत्थे भाई पुराणा जी संगत उतार रहे से, ते उत्थे पिंड ने बेनती की इतने एक डाकू रहिंदा लखू डाकू बहुत माड़ ताड़ करता, वो ऐ दुआन सजिया सी भाई पुराणा जी बैठे महापुरख, ते लखू डाकू शास्त्रधारी घोड़े ते सीगा, उन्हें सुखना सुख ली भी मैं भी दसवंध कढ़ा ते जे चंगा डाका बाजी जावे ता ते फड़िया ना जावा फड़िया ना जावा। अगे गया अगे एक गड्ढे ते मेल आउंदा सीगा नानकी शक जान माते, ट्रंक विच टूमा सी होर समान सी, ओ घोड़े ते नंगी तलवार रह कहिंदा रुक जाओ थानू पता नहीं मैं लखू डाकू हाँ। मां कहना लोग रोन लग जाते छड़ा नहीं किसी ने, हाँ तो करने वाला कतल कर देता, तो साह संगत उत्तर खड़े गड्ढे तो ला दो लीड़े नवे लीड़े मेल वाले लुआ ले बीबिया के, बीबिया ने चादरे बिच बुकल मार के कान्या बिच टाइम कढ़े उतो तूमा सारा पासे रख के समान गिणिया डाका मार लिया, गिण के भाई गुरु के प्यारे सिख भाई पुराने को आ गया, आख्या जी मैं कोई दसवंध की सेवा करनी चाहना माया की सेवा। भाई पुराणा जी कहिंदे प्यारिया सेवा जिहड़ा नगोरा ना उहदी नहीं लगती, शराबी की नहीं लगती, रिश्वत लैण वाले की नहीं लगती, तो डाकुआ की सेवा भी नहीं लगती। डाकुआ की भी सेवा लगती है गुरु पंचम पातशाह के सिख की सेवा लगती है। बस फिर कह लगा जी थानू कि पता, भाई पुराणा जी कहते मैनू तो नहीं पता, जिस गुरु के नाल मैं जुड़िया वो मैनू सब कुछ दस रहे हैं, पंचम पातशाह दस रहे हैं। आके बस फिर ऐसा तीर बजा कवे कलेजे च कबीर सतगुर सूर में बाहा बाण जो एक लागती पोगर पड़ा ते पिया कलेजे शेख। गुरु महाराज को आ गया भाई लखू डाकू, पंचम पातशाह दर्शन किए बड़ी मन में शांति आई, सोए सलंदरी मेरा तन मन मौला नाम जपंदरी लाली, ते बेनती की थी गुरु जी
मैं कातल डाकू मैनू बख्श लो। बाबा नंद सिंह कहते तेरे ढैन में देर है, गुरु साहब के बख्शन में खालसा जी कोई भी देर नहीं। ते गुरु महाराज ने कृपा की, गुरु जी कहते सिखी की दात लाया अमृत छक पंजे पातशाह कहते पूर्ण गुरसिख बन। जो यहां वचन करिया भाई लखू ने पंचम पातशाह गुरु अर्जन साहब जाग की जोत के चरणा का अमृत पीता, अमृत पीता पी के बड़ा आनंद ते सेवा कर लगे। सरोवर की परिक्रमा ते सेवा चलती सी, दोनों थाना दिन रात झाड़ू मारिया 8 साल भाई लखू ने 8 साल लीड़ा पाटिया वा ते ठंड विच भी उही चोला ते गर्मी च भी उही चोला। लंगर च जे दाने मिल गए पूजे तो वही शक, जे ना मिल गए तो हुक्म ते पहरा दिता, हुक्म ते पहरा दिता। पर अमृत वेले इनान करना तो 2-2.5 बजे तो लग जाना झाड़ू मारन, एक हाथ में झाड़ू तो एक विच माला वाहेगुरु वाहेगुरु करना। 8 साल ही लंघे किड्डा वड्डा घर है गुरु नानक का, किड्डा वड्डा दरबार है। तो लाहौर की संगत आ गई तो बेनती करती पातशाह बहुत टाइम हो गया आपनू गया नू, संगतां डीकदियां दिओ दर्शन मेरे सतगुरु जी अखियां तरछण ली दर्शन प्यासी दिवस रात छितवो आंदा नींद खोल कवट कर मेलिया नानक हर संग कृपा करो। गुरु पंजवें पातशाह कहिंदे असीं नाम का बेड़ा तैयार कर रहे हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब की रचना कर रहे हैं। 3.5 साल में रचना की गुरु ग्रंथ साहिब की, जेडे पहले करतार पर गुरु ग्रंथ साहिब पाए हैं जिस विच 9वें पातशाह की बाणी नहीं है। 3.5 साल बड़ी खेचल की गुरु महाराज, गुरु जी कहते असी जा नहीं सकते। लाहौर की संगत कह लगे जी आवे आसा जावे निराश हो के जाइए, गुरु घर गुरु जी कहते नाराज हो के ना जाओ, तुसी सानू लेके जाओ पर लैन था तुम चलो। गुरु जी कहते जे सानू लेके जाना वचन मनना पूरा, कहते जी ले जाने का की फायदा जे वचन नहीं मनना। गुरु जी कहते मेरा रूप ओ वेखो लिबड़िया वा चौला ते दोनों हाथों झाड़ू ते एक चमाला ते रसना तो वाहेगुरु जाप, नेत्रा दे विच मस्तक नूर अलाही चमके, नैणा दे विच मस्ती। ओ भाई लखू सीगा हुण सिमरन करदा गुरु धार के लखां दा बन गया। दिल जाना जाओ भाई लखू नू लै जाओ, भाई लखू नू सद लखू जावे लाहौर दी संगत ना जा महापुरख कित्थे डाकू 8 साल दे विच। पर गुरु पूरा मिल जाए कितने गुरु दूरा मिल गया ना, कई जन्म भी लग जाते तो भी नहीं बंदा पार होता। गुरु भी डुब गया तो चेले भी डुब गए, चेले भी डुब गए। इस करके एक माता ना बेड़े च जा रही सी दुध बेचने वास्ते, बुढ़ी माया माई तो रोज जाया करे तो वो पैसे लगते थोड़े जे बेड़े वाला पैसे लेना। एक दिन मीह पैन लग गया तो स्वामी जी तो छपरी में कथा करते थोड़ी संगत बैठी तो कथा दे आया वेद शास्त्र का वचन जानी महापुरख ब्यास जी की कथा चल रही थी। कथा दे आया राम नाम सिमरने पापजल सागर पार हो जाता है। वो माता भोली ने आख्या भी आप भी राम का नाम सिमर लें तो पापजल सागर एक छोटी जी नदी है, माता दुध बेच के आई तो पैंदा सी मीह हट गया सह सुहाए माता किनारे खड़ गई, माता ने कहा राम नाम सत है
कुंजी संत साधु स्वामी दे हाथ है, पानी ने राह देते गोडे गोडे गया पानी। माता रोज जाती है, जब तीन क महीने लंघी ने तो आ गए सरां धन देन। माता ने आख ऐसे स्वामी दे चरण पौने चाहिए, ऐसे महापुरखों के चरण पौने चाहिए है, जिन्हां दी एक शैन कथा सुन के ते पानी ने राह देते। स्वामी नूं कोई याद नहीं गा भी मैं बोलिया सी, उन्हें तो पत्र लद्या ते कंडी तो तां तां बोलिया, गल तो तां तां बोलिया। राम नाम जपने से पवजल सागर पार हो जाता है, पत्र लादता उन्हें पर माई ने नहीं लद्या पत्र, माई उत्थे ही खड़ी है। राम नाम सत है, कुंजी साधु संत स्वामी दी हाथ। माता करनाई कहती स्वामी जी श्राद्ध बने पे है कीरकड़ा, तो कृपा को दर्शन दो। हूँ मेरे वर्ग ना कोई जाए डीकता रहा, कोई मर्ग का भोग ही आ जाए उत्थे ही चल फटते हैं। स्वामी जी वेले ही थे, स्वामी कहते माता अज ही चल फटते, कहते ठीक है अज ही तैयार है श्राद्ध चलो। माता नू कहते मैं तैयार हो जाऊं, पहला उन नहाता नहा के साबण सूबण लाया दही दुही के नाल, फिर सत्संग दा अत्र फलेर लाया शरीर नू सारे अत्र फलेर तेल, फिर बड़ा सारा गूठे ने तिलक ला लिया, फिर बोधे नू तां करे ते सत्संग, फिर पगमा पा लिया चोला, छिप्पी लै ली खूंडी लै ली, रिंडा दी माला गल च पा ली, एक इधर गुटना माला लपेट ली, एक इधर माला लपेट ली, गुट दे नाल गुट दे नाल गुट दे नाल। बाबा जी सुधर जाने दवा से यह कह लगा जी बरगाह च थां दो। बाबा जी कहते तकड़ा होकर माला फेरिया कर, माला फेरिया कर। बाबा जी ने दोनों हथ करके ना वेख इधर भी माला इधर भी माला। बाबा जी कहते मैं अंतर जाम तो नहीं दसदा। बाबा जी कहते जी गुट से माला तो किले तो टंगी भी है, कितने गुठे तो हाथ के माला होंगी फिर तू फेर दस, ये तो ठग है तू तेन थां तक कितने मिलना। लम्मा पै गया तो वो दो कह जी तुम अंतर जाम तो गल थोड़ी ठीक है ठीक है। मैं तो कहता गुट्टा ने उन्नी भी माला। बाबा जी कहते अंतर जाम तो नहीं, मैं तो बाहर नहीं जाम तो नहीं दसदा, जेड़ी गुट ते माला भलेट लेनी है बाबा जी कहते वो नहीं फेरूंगा फेरूंगा। स्वामी जी ने एक माला इधर लपेट ली एक इधर लपेट ली, गल च पा ली रिंडा की माला तो तिलक ला लिया, तो कहने चल माई चल गई। अज माई ने आख्या भी अज तो राम नाम कहने की लोड़ ही नहीं, अज तो समुंदर ने दरिया ने संतां दे स्वामी दे दर्शन करके ना राह दे देना। स्वामी नूं कोई याद ही नहीं इस गल। जदों किनारे ते खड़ी माई ते पानी मारे फकारे काले नाग, पानी फकारे मारे माई जी स्वामी वल झाके भी पाओ दृष्टि करो निहाल, ते स्वामी माई वल झाके, माई वल झाके जिहड़ा स्वामी माई वल झाकदा है वो तो आदा उड़ी होंगे, तो स्वामी वेद शास्त्र में वचन करता कंतु प्रांत तो नहीं हो सकता सही वचन तो किया क्या स्वामी, स्वामी माई वाल वेखे क्यों वेखे भी माई बेड़ा आ जाने दे फिर पार होने, तो माई वेखे भी पाओ दृष्टि। माइया बहुत भोल गए, माई ने आखा नहीं मेरा इम्तिहान कर रहे स्वामी जी, इम्तिहान कर रहे भी शब्द चलता कि नहीं चलता, देखो किन्नी कमाई है माई की बुढ़ी की धन माई बुढ़ी माई शब्द आता उत्थे बुढ़ी माई शब्द आने लिखा। माई ने आखा नहीं स्वामी मेरा इम्तिहान करता, माई ने उस मुंह च आवाज आप ही आ गई राम नाम सत है कुंजी साधु संत स्वामी दे हाथ है। पानी एकदम गर्म देने थले माई ने पैर पाए दोने, माई तो पांच फुट गांह गई ते मगरों पानी चढ़न लग गया,
स्वामी जी को श्रद्धा तो है नहीं सी, उदा लोग दिखलावा सी, माई जा रही है पर मगरों पानी पकारे मार। माई ने पिछे मुड़ के वेखे जो दरिया के बचाले थे, माई कहती स्वामी खड़ा क्यों है, श्राद का मान पूरे खीर कड़ा कट्टे के कन्ना वर्गे हो पे, आओ लाओ भोगा लाए। स्वामी ने आख्या बुढ़ी है ये भी तेरे रिंडा की माला गल च पाई, तिलक लाया बोदे अत्र प्रेल लाया, इन्हों गल नहीं को करना, इन्हों के मगन लग्या करो इन्होंने लोगों से। उन्हें आख्या फिर भी बुढ़ी है तू, फिर भी स्वामी है, शर्म का मारिया वा जो पानी दे पैर पाए ते पैर पाए तो दूजा पैर पाया, पानी ने मारे चौसे स्वामी ने सिट लिया पानी, पानी दे अबू अबू लग्या करन, फिर भी पलिया वा सीगा वेला रहिंदा करके, ते सास दा हत्थ पल्ला मार के घर नूं हत्थ पै गया, ते किनारे ते बैक खड़ गया, खड़ के कहिंदा साली औरी भोजन के बहाने कहना डोबल चली है साली औरी कहना भोजन के बहाने कहना डोबल चली। वह भोली माई ने कन्ना च बाज पई, माई तू उदू गां है तेरा शब्द चलता, ओदा शब्द नहीं चलता, ओदा शब्द केड़ा चलता, मनमुखा केरी दोस्ती माया का सरबंध, माई तेरी कमाई है ओदी कमाई नहीं है, इस करके कमाई तो माई भी कर सकती है, कमाई करने वास्ते ताई तो गुरु मार ने आख्या अमर छकन, कल नूं माइयां बीबियां भी छकन चाहिए, बच्चियां नूं परिवार सारे हिंदू धर्म में जनेऊ नहीं बीबी पा सकती, मुसलमान मत में इस्त्री मक्के नहीं जा सकती, यानी नमाज नहीं कर सकती, सिख धर्म में बीबियां किन्ना गुरु साहब का परिवार बैठे, इधर गुरसिख बैठे, जो अमृत छकाया जाना है माइया नूं तो अमृत छकना छकाना चाहिए, बच्चे परिवार को कैसी गल जी, माइया गुरु साहब ने गोद में थान दिता नहीं कोई दे सकता, बहुत कृपा की, जो पंज प्यारे अमृत छकाउंदे ने एक पासे गुरसिख नूं एक पासे ते घर वाले नूं ते घर वाली दोनों बीबी इस्त्री पति नूं, उदो गुरु जी सिख नूं कहिंदे बोल वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी फतह, ते जो बीबी नूं भी अमृत छकाउंदे आ उदो इउं कहिंदे बोल वाहिगुरू जी का खालसा, बीबी नूं भी आख्या ना खालसा बोल वाहिगुरू जी फतह, पर गुरु महाराज इउं नहीं कहिंदे बोल वाहिगुरू जी की खालसी, तुहानूं खालसी तां नहीं आख्या बराबर तां दित्ती है बोल वाहिगुरू जी का खालसा, इउं तां नहीं कि बोल वाहिगुरू जी की खालसी बोल वाहिगुरू जी का खालसा, थानू भी अमृत बीबियां बार चढ़ के सगा छकाना चाहिए, माइया के आखे बच्चे लगते है परिवार लगते है, पति ने भी कई माइया आखे ला सकती है पति रब है हुण समय मिलिया बाबा जी आए है, ते दास नूं तां कोई फुरना नहीं है, भी कोई अगराई की लोड़ नहीं है, कोई माया की लोड़ नहीं है, इको लोड़ है भी तुसीं कि नगोरे ना मर जाओ, दिल्ली शहर की संगत कलगियां वाले पातशाह ने दिना देन दिता, आप खंडी विछालिए थले तां भी कर जा नहीं मोड़ सकते खालसा, इस करके मैं विचार करें वेखो ऐसा दरबार, भाई लखू ने अठ साल सेवा की लखा ना बन गया गुरु महाराज, भाई लखू चलिया गया ते बुद्धू शाह सेठ आउंदा सी गुरु जी कोले लाहौर दा बहुत तकड़ा सेठ सी, उन्हें बेनती की जी पठे चिणिया पटा अग देनी है पठिया इटा पक जान ताप जी वास्ते दसवंध आऊगा तो सारे बगल वास्ते एक पठे दटा आ जाएंगे, गुरु महाराज कह लगे सच्चे पातशाह बुद्धू शाह गुरसिखा प्रशादा कर देना आस करवा देनी जर आवा पक जूगा, सत वचन आखे बुद्धू शाह ने जाके गुरमुखो भंडारा किया लंगर लाया, सदले पिंड शहर के लोग
गुरसिख बहुत थोड़े से जो तुम खंड पाठ करा ना उदो चंगे चंगे गुरसिख सद लिया करो खंड पाठ जो विह हों उदो रिश्तेदार सद ले सारे सारे तो जो गुरसिख सदोंगे ना तो खंड पाठ तो प्रशादा छकावोंगे जो तुम गुरसिखा प्रशादा छकाया दस गुणा इतने तो सत्तर गुणा थोड़ा प्रशादा बढ़ जाए बढ़ जाए ब्याह जी ब्याह जी देने लेने का संबंध है ब्याह दे ते ओ क्या था गुरु जी ने बुद्धू शाह नूं आख्या से भी गुरसिखा प्रशादा कर लेना सद ले रिश्तेदार ही सारे तो रिश्तेदार सद ले तो पंडित ले लिया प्रशादा परीसिया गया तो पंडित ने अरदास करती प्रशादा छकन लगे इन्हें गुरु जी ने ऐसा खेल करता पाई फिरदा तुरदा हौली हौली विरद पाई लखू आ गए गुरमुख कदे बुढ़े नहीं गुरमुख नहीं विरद होता है पर मैं दसण दे विच वचन कर रहा शरीर झुकिया वा सी उहदा सोटी ने तुरदा पाई लखू जो आ गया तो हाथ दे विच कद्दू दा तूंबा कोई टिकाणा नहीं सी पैण दा कदे उत्ते कदे उत्ते कदे उत्ते तड़ाता इको शब्द से टिकाणा सी वाहिगुरु का सिमर सी बहुत ज्यादा पाए का भी चलता ते आके भाई जदों लखू खड़ गया बार च अंदर लग्या वड़न ते लीड़े सी मैले पाटे में तई जी बनी सी पग तो उस टाइम ते हंकार दे विच हवा दे विच बुद्धू शाह पिछे नूं हथ करके कदे इहनूं तुरिया फिरदा कदे इहनूं भी शायद इन्ना लंगर किसी ने ना ही किया होमा का कर्म जो अंदर बड़ लगा दूरों कहता मंगते नहीं रोको रोक दो रोकता रोक गया पता ना लग्या हंकार दे विच भाई लखू है गुरु का प्यार पता ना लग्या ऐसा प्रोध अरदास करता पंडित जी सच्चे पातशाह पंचे पातशाह जी थोड़ी रसना ते फुल चढ़ाया ते बुद्धू शाह ने लंगर किया संगतां नूं गुरसिखां नूं गुरसिख कोई आई नहीं लंगर किया कृपा करियो इहदा आवा पक जावे इहदा आवा पक्का होवे ते बाहर खड़ा भाई लखू कहिंदा आवा रूगा कच्चा आवा रू कच्चा 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 करदा ते बुद्धू शाह ने आख्या ला एवें मारी जाता मेरी सिद्धि है गुरु अर्जन साहब के नाल जो अठा दिन बाद इटा कटिया ना इटा कच्चिया सेकी ना लगे पिलिया कच्ची का इलाज है फिर पक जाती है भी पिलिया तो कोई इलाज ही नहीं बोरी च पाइया इटा के घोड़ी से चलिया गया गुरु अर्जन साहब को ढेरी करते हैं कह लगा जी पठा बह गया बहुत नुकसान हो गया बड़ी बहुत घाटा हो गया गुरु महाराज उस चर चुप करके कह लगा जी मैं तो गुरसिखा प्रशादा भी करया सी गुरु जी कहते अनन प्यारा कोई गुरसिख मैनू लगता भुखा गया भुखा गया कह लगे गुरु महाराज कहते कि भाई लखू तो नहीं सी वह भी मगन के रूप च है नाल बुद्धू शाह कहते जी बुद्धू शाह के नाल जो ना नौकर कहते जी उही सी ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਰਸਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਾ ਦੀ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਆਵਾ ਰਹੂਗਾ ਕੱਚਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੈਣ ਭਰਿਆ ਹੈ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕੱਚਾ ਰਹੂਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਸਨਾ 'ਤੇ ਹਾਂ नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच हो जे भाई लखू ने कच्चा कहदा मैं नहीं पक्का कर सकता कह लगा जी करो कृपा गुरु जी कहते फिर ऐ कर भाई लखू नूं उत्थे वेख ला ते लीड़े संभाला नवे ते चरना ते डिग पा जी बख्श लो
तेरे डिगने विच देर है भाई लखू महापुरख अभ्यासी शब्द के बख्शन विच कोई देर नहीं ते तू करे ले जा स्नान करा के लीड़े पुना के ते प्रशादा छका दे ते मगरों बेनती कर दी विपुल होगी आवा कच्चा रह गया बुद्धू शाह कहने जी हुण की होऊ गुरु जी कहने सब कुछ हो जाऊगा आना हो ही गल है बहुत औखी गल है वेखो साडे बाबा जी विसाख की संगरांद अगे भी जाते जानी बाबा नंद समारक पर अज फुरना बनिया भी कम करे बहुत बी चलो मत्था टेकने विसाख की संगरांद बाबा जी देख ले गए ये बड़े बाबा जी गड्डी च बैठ के जा रहे थे दमदमा साहब विसाखी मनाने वास्ते साढ़े बाबे ने भज के मत्था टेकया बाबा जी बदनी कहने साढ़े बाबे ने बदनी बड़ा लेट होया अदरूनी बहुत तारा खड़काइया ते चल दमदमा साहब चलना साढ़े नाल तू कहन लगे जी घरे तो कम बहुत है फले दंदे दाती तंगलियां सड़ंगा बनाने वाली जिमीदार करसाना का कम बहुत इन्हें तो कह दिता ही नहीं बाबा जी कहते हुक्म वड्डा कि जवाब वड्डा लैन की है बैठ गड्डी च सास सुख गए बाबा साढ़े दादा कहते मेरा ऐ लगे जिम्मे जमूर ना जीव फड़ती होंगी है ब्रह्म ज्ञानी का कथिया वा दरगाह च प्रवान है दरगाह च किसी का दिल्ली प्रवान है किसी का उरे प्रवान है पर बाबा जी का दरगाह के प्रवान है बुआलिया गड्डी च ते बाबे का भाई साढ़े का तीजे दस दिन मगरों आया सौली वाले बाबा सिंह कह लगा यार भाई आया सी कहते बाबे ने गड्डी च बह गया कहता बस ओला माल खान के जगह देगा मूँह बढ़िया वा सी कह नहीं सकता सी किन्ना मगर काम है बौड़ी बौड़ी करता गया या कौन जाने उस सार बाबा जी दमदमा साहब चले गए सत दिन रहे फिर लहरी वाले बाबा जी कहते साढ़े चलो उत्थे कहिंदे तुहाडी ड्यूटी दुनिया की कल्याण करनी ते कीर्तन सुनाओ ते दुआन लाओ साधन उत्थे लग गए फिर पुच्छो वाले गुरदेव जी कोले साधन फिर भाई भगता फिर तखतूपुरा पुच्छो वाले कहिंदे ताड़दे जाई हुण संगरांद नूं तुरे संगरांद नूं ही जाई सत आचरण अज जेठ दी संगरांद दा दिहाड़ा मनाया ते बाबा जी साडे ने बेनती करती जी पातशाह आग्या दे दिओ कम मगर कस बहुत है कृपा करो भरा भी आया सी साढ़े पिता जी भी जानी गए सी मगर पता लैन पिता जी कह लगे बाबा सानू पिंड दे कहिंदे तुसीं पूरा काम नहीं करते साडा उत्थे बाबिआं दे तुरे फिरदे आ ते असीं तुहाडे दाणे नहीं देने दाणे नप जाने ते बाबा जी नूं बेनती करती साडे बाबे ने कहने गए हुण आ गया बख्श दा महीना हो गया ते पिंड दे कहिंदे तुहाडे दाणे नप जाणे आ बाबा जी कहिंदे उहनां दी कीड़ी बाबर है दाणे नप जाणे आ बाबा जी कहिंदे फिकर ना कर आपां सणे ब्याज लै लवांगे बाबा सोचदा भी लंबरदार सत्तर सत्तर किलियां दे काम है उहनां दा कहना ही है भी दाणे नप जाणे आ काम ही नहीं कीता ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜੇ ਵਿਆਜ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਅਣਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਉਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲੀ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਕਰਦਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਉਂ ਬਚਨ ਖਾਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹੀ ਜਾਣ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਉਦੋਂ ਆ ਗਿਆ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਈ ਮੌਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀਰ ਫਿਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਰ ਕਿਵੇਂ ਜੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਨਕਸ਼ਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਆ ਗਿਆ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੋਢੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹੜੀ ਤੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕ ਟੇਕ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨ
ਬਾਬਾ ਦਾਦਾ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜੋ ਹਾਸਾ ਆਇਆ ਵੀ ਬਾਬੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਦੇਹੜੀ ਤੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਦਿਓਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੇ ਲਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਛਿਪਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਚਿਗਾੜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਖੇਚਲ ਕਰਿਓ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆ ਜਾਇਓ ਤੇ ਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਹੜੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਟੇਕਦਾ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬੋਲ ਨਾ ਟਲੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਸਾਢੇ 400 ਸਾਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸਾਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੱਬ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੀ ਰੱਬ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਤ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਨੂੰ ਭਾਲਿਆ ਫੜ ਲਏ ਚਰਨ ਦਰਖਤ ਲੈ ਬੈਠਾ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ੋ ਬਖਸ਼ਣਹਾਰ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਸ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤੁਰਪੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ ਲੀੜੇ ਪਨਹਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਛਕਾ ਕੇ ਚਰਨ ਫੜ ਲਏ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਵੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪਛਾਣ ਨਾ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕਰਤਾ ਸੀ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਵਾ ਤੇਰਾ ਕੱਚਾ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰੀਬ ਆ ਮਿਹਰ ਕਰੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੇ ਚਰਨ ਫੜੇ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਾਰੇ ਗਿਆ ਕੱਚਾ ਉਹ ਪੱਕੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝੂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਆਵਰੇ ਗਿਆ ਹੈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੱਚਾ ਰਹਿ ਜੇ ਆਵਾ ਤੇ ਪੱਕਿਆਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਕੁਝੂ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਆਵਾਰੇ ਗਿਆ ਕੱਚਾ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਕੁਝੂ ਬੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵੇਲੀ ਗਿਰਨ ਲੱਗੀ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗੀ ਪਾਣੀ ਚੜਿਆ ਰਾਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਜਨਾਬ ਹਵੇਲੀ ਡਿੱਗਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਥੰਮਲੇ ਦਿਓ ਵਿੱਚ ਥੰਮ ਲਾਓ
ਕਹਿੰਦੀ ਥੰਮ ਕੇ ਤਲੇ ਇੱਟਾਂ ਪਤਾ ਲੈ ਲਓ। ਭਾਈ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਗਏ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਟਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਿਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੰਗਾਈਆਂ। ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਭਾਅ ਚੰਗਾ ਮੰਗੀ ਹੁਣ ਮੋਹਰ ਲੱਗੀ ਵੀ ਆ ਭਾਈ ਲੱਖੂ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਕਰ, ਹਵੇਲੀ ਗਿਰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇੱਟਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ। ਸਾਰਾ ਭੱਠਾ ਰਾਤੇ ਰਾਤੀ ਵਿਹਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਐਸੇ ਬਚਨ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਮਾਈ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਵੇਖੋ ਆਵਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਚਾ ਹੈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੱਕਿਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਖ ਗਿਆ ਇਤਿਹਾਸਕ ਬਚਨ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹਨ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਚੌਧਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਰਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਕੋਲੇ ਆਏ, ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਸਣ ਲਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਆਸਣ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਹ ਰਸਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਖੰਡ ਘਿਓ ਤੇ ਆਟਾ 500 ਰੁਪਈਏ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ 'ਚ, ਅਤੇ ਚੌਧਰੀ ਸੀ 80 ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, 500 ਕਿੱਲਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਪੈਲੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹਜ਼ੂਰ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨਾ ਰਹੋ ਚਾਹੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਰਹੋ 500 ਦੀ ਰਾਸਤਾ ਮੇਰੇ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਹੁੱਬ ਕੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਜੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਾਉਣੀ ਆ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ। ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹਜ਼ੂਰ ਮੈਂ ਉਂਝ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਾ, ਤੂੰ ਨੂਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਂਝ ਸਿੱਖ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ। ਚੋਜੀ ਕਿਉਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜੀਦੇ ਦੀ ਫੌਜ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਆ ਹਜੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੱਕੇ ਗੁਰਸ ਉਹ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਰ ਲਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਐਂ ਵਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਮਿਸਤਰੀ ਆ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੁਹਾਰ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰਫਾ ਰੱਖਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਆ, ਤੁੱਛ ਜੀ ਸੇਵਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਿਓ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਰਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਤਰੀ ਆ, ਰਫਲ ਚਮਕਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ, ਰੇਗਮਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਵਾ, ਚੱਲਦੀ ਚੁਲਦੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਹਜੇ ਮਿਸਤਰੀ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਡੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਬੋਲਿਆ। ਡੱਲਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਹੁਣੇ ਵੇਖ ਲਓ ਮਿਸਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰਖ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣੇ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਾਇਆ ਰਾਤ ਘੋੜੇ ਧੱਤ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਰਫਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੀਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹ ਕਾਂ ਦੇ ਠੋਕੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਜੀਦੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਕੜ ਖਾਧੇ ਬੱਕਰੇ, ਮੈਂ ਕਾਵਾਂ ਘੁੱਗੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੋਲੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਤਾਂ ਮਗਰਲੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਰਫਲ ਹੈ ਰਬਰ ਐਂ ਕਰ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਖੀ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਜਾ ਲਿਆ ਰਫਲ ਪਰਖੀਏ। ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਗੋਲੀ ਨਿੰਗੀ ਨਾ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਿੱਧਾ ਸੱਚਖੰਡ ਭੇਜ ਦੂੰਗਾ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਡੱਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਤਬੇਲੇ 'ਚ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਰਫਲ ਪਰਖਣੀ, 700 ਫੌਜੀ ਸੀਗਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਫਲ ਪਰਖਣੀ ਆਓ ਕੋਈ ਮਰੋ। ਕੌਣ ਮਰੇ? ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਜਵਾਕ ਹੋਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੱਪੂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ। ਕੋਈ ਕੁਛ ਕਹੇ। ਡੱਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਓ ਨਹੀਂ, ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਫਲ ਕਿਵੇਂ ਪਰਖੀਏ?
गुरु जी कहते चंगा जी वो जवाब दे तू सामने हो जो तू आख्या ना सामने हो डल्ला थर थर कंबन ला गया डल्ले ने आख्या वो डल्लिया कसूता पास गया गुरु नू लिया के गुरु तो जकारे छड़ छड़ के अपने साहबजादा ने शहीद कराया तू किहड़े बाग दी मूली आ डल्ला अरदास करया करो जो तू परचा पावे न भी सच्चे पातशाह बाह कुट के फट के रखे ता मैं बच सकदा नहीं मैं तिलके ही पिया मैं तेन छड़ सकदा कई आउणगे पहला आई जाणगे जो कम लोट हो जाणगे माड़ा मोटा बकरी एक मेवना दे दू फिर कहणगे हुण होर किते चलदे भी दो नहीं दिते बाबे कोले नहीं जाणा आई नहीं गल फिर पांच चार साल बाद जदों रगड़ा फिरदा ना ये दस दो सगला पाउंदा उत्ते जा उत्ते उत्ते अज बॉम्बे तो आए कैंसल वाले आए तो वह कहते जी सानू दस भाई मैं दस्या नहीं भाई भी अमर छको कहते नहीं मैं चंगा अमर छको तो मीट शराब छो तो मने कहते जरूर छड़ा वचन मनिया सारा मैं क्या गेड़ा दे उठ के वेख गल च कैंसल सी तो गल च अज की गल उत्थे पुगती उठा नहीं जाता तुरया नहीं जाता छावक पैदा सी दर्द हों तो कहना मैं तो ए लगता मैं कुछ होया ही नहीं गा मैं जोड़ा शब्द तो बंदा दूर हो जाता गुरु की शक्ति तो दूर हो जाता ये तो सुस बंद मेहर नहीं चलती मेहर नहीं कल बारे मुल्क आया सी कह कम घट कर दी है मैंने उतो दस पई है सिंगापुर तो रात रहा जो सवेरे वधिया गया कहते मैं ठीक हाँ हूँ जिथे हरि का जास है गुरु की पूजा गुरु की मर्यादा है उत्थे वाहे गुरु नानक की शक्ति वरतनी है उत्थे कृपा एडे दरबार च वचन करना कि खाला जी का वड़ मखाओ जी गल ओदी कृपा दे नाल ही है उत्थे साध संत कलगियां वाले पाशाह के डल्या हो अगे डल्ला कहन लगा जी बच्चे रुल जाणगे बच्चा छोटा ही है जी राज फस जूगा वह जाओ गुरु जी कहते कोई घबरा ना ऐ कर मेरे बहादुर लेके जाओ मालवे के सिखा जा लिया तो जाके कहता गुरु जी ने रफर परखनी है छाती की गोली टोकनी है कोई है जो तो कोई है कख सारे ही आ सारे ही तुर पे लैना लग गए लैना गुरु जी नाली थले कर लैन तो बह जान गुरु जी नाली तह चक लैन तो अड्डिया चक लैन डल्ले के मूँह में उंगलां पै गई रही डल्ला हैरान हो गया कहते कैसे सिख हजूर ने गोली तो चलाती पर दस्तार के उत्तों की कढ़ती कढ़ के रफर सट के गुरु महाराज ने बुकल में लै लिया बुकल में लैके नैन भरिया है गुरु जी कह लगे डल्या इन पुत्रन के शीस पर ओ बार दिए सत चार चार मुहे तक क्या हुआ जीवत कई हजार डल्या आ मेरा खालसा है ये मेरे जगर दे टोटे पुत है मैं इन्हां दी खातर चार पुत्रों का खून डोलिया जेड़ा अंबर छक के नितनेम करेगा मेरा पुत्र खवावेगा मैनू पिता आखेगा अज तुहानू समा दिता निरंकार ने लौसमेंट हो रही है अज तुहाडे कोल शरीर है जो गात्रा पाउण वाला कशहरा पाउण वाला शरीर ही ना रहा तो दसोगे फिर की करो कित्थे जाओगे 84 लाख जून तो अमर छक ही नहीं सकते हुण समा मिलिया डल्ला हैरान हो गया गुरु जी कहते वेख्या डल्लिया डल्लिया जे तेरा अमर छकिया हुंदा ना तू कमदा नहीं सीगा मौत ने तेरे मूहरे गोडे टेक जाने सी मौत ने तेरे मूहरे झुक जाना सी डल्या जे तू मेरा पक्का सिख हुंदा पर हजूर कहते डल्या हजे भी समा है अमर छक ले डल्ले ने आख्या जी कोई नहीं छकूंगा हुण मैं गुरु जी कहते सासां दा क्या भरोसा है कदे ढिल नहीं करनी चाहिए अमर छकन की ते सासा का कोई भरोसा नहीं है डल्ले ने आख्या जी थोड़ा समा दो आप पुत्र है बग्गियां घोड़े है रात आया गुरु जी कहते की पता मंजे ते पैदी जान निकल जे इन्होंने तेरी मदद नहीं करनी
ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਅੰਬਰ ਛਕ ਲੇਗਾ, ਇਸ ਘੋੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਛਕ ਲੇਗਾ। ਡੱਲੇ ਦਾ ਮਨੀ ਨਾਮ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਡੱਲੇ ਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਡੱਲੇ ਤੋਂ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਗਏ, ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਵਸਤਰ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਪਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਂ ਕਟਾਰ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਚਨ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਐਂ ਤਖ਼ਤ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, 20,000 ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ 700 ਡੱਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਡੱਲੇ ਨੇ ਵੀ ਛਕਿਆ। ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਰੱਖਣਾ ਹੀ ਉਹ ਆ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੂ। ਵੇਖੋ ਕੈਸਾ ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕਿੱਡੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਕਿੱਡਾ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਕਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਹੁੱਕਾ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਹੁੱਕਾ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਿਆ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਰੀਹ ਸੀ, ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੋਂ ਹਟਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਉਹ ਮਹੀਨਾ ਹਮਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਨਾ ਹਟੀ, ਅਤੇ ਪੰਡਤਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊ, ਦੰਗਾ ਅਤੇ ਸਾ ਵੱਢਿਆ ਜਾਊ। ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੀ ਸੋਚ ਲਈ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੁੱਕਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਪੰਡਤਾਂ ਨੇ, ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਦੇਸੀ ਅੱਕ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੋੜ ਕੇ ਕੁੰਸੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਧੂੰਆਂ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਜਾਵੇ, ਨਸ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਦਰਦ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਦਰਦ ਦਾ। ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਦਰਦ ਤਾਂ ਹਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਸ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਦਰਦ ਫਿਰ ਹਟਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੰਬਾਕੂ, ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮੁਸ਼ਕ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਸਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵੀ ਲਿਬੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਤੂੰ ਗੁੜ ਗੁੜ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸੂਟਾ ਲਾਊਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਹੁੱਕਾ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਦਾਸ ਨੇ ਵਸੀਤਨਾਮੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖੂ, ਚਾਹੇ ਰੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੇਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟਾ ਲਾ ਉਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਰੱਖੂ। ਵੇਖੋ ਅਤੇ ਭਾਈ ਡੱਲੇ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰ ਰੱਖੂ ਜਿਹੜਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਵੇਂ ਜਕਾਰਾ ਵੇਖ ਕੇ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਇੰਨੇ ਲੰਮਾ ਜਕਾਰਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਕਾਰਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮਿਹਰ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮ ਲੈ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਡੱਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਆਸਣ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰੂਪ ਹੈ, 6 ਫੁੱਟ ਆਸਣ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੰਗ ਯੁੱਧਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਬੈਠੇ ਮੁਸ਼ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ। ਡੱਲਾ 6.5 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਸੀ, ਜੁਰਮਾਨਾ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਸਿੱਖ, ਅਤੇ ਝੂਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣਾ ਆਸਣ ਛੱਡ ਕੇ, ਪੌੜੀ ਭੁੰਜੀਏ ਉੱਤਰ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਡੱਲੇ ਨੂੰ ਬੁੱਕੜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਨੂਰਾਪਣ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਡੱਲਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਐਵੇਂ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗਾਰੂ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਕੱਚੇ ਪੇਲੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੇ? ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਸਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਖਬਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਸਤਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਟਿਕਾ ਲਵੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੱਡੀ ਨੇ ਚੜ੍ਹਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਡਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਹੈਰਾਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 7 ਦਿਨ ਦੇ ਭੁੱਖਣ ਭਾਣੇ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਦਾ ਘੇਰਾ,
सोचो एक गल वचन थोड़े काम आने वाले वचन थानू हार्ट का नुकस हो ना तो दिल की परेशानी हो दिमाग का दौरा तो तुम अमृत छक लो गुरु कलगीधर का ध्यान कर रहे तुम हार्ट का नुकस गोलियां छड़ दें वो किमें गढ़ी चमकौर दी तो सत पो तो सासद घेरा पिया चार चाली सिंह तो शहीद हो गए तेरह सिंह ही उदो अंदर हजे तो सतगुर साहबजादे शहीद हो चुके सतगुरां ने वड्डा अजीत सिंह जी जहान सिंह देखो पर गुरु महाराज की धड़कण में कोई फर्क नहीं सी नेत्रां चेहरे च कोई फर्क नहीं सी हैरान वाली गल है ना सोचोगे ना गल नार खां मलेरकोटल का बहुत वड्डा इस इलाके का मशहूर सूरमा सी आपदे भगाउण वाला बहुत नरोआ जो तुरदा सी बंदे नाल तुरदे खुब ना जावे धरती पिल पिल करदी बड़ा नरोआ ते लैके कृपान ते सासद पौड़ी ला ली पौड़ी पौड़ी चढ़ गया ते रंगदेव का हुक्म सी जे गुरु साहब किते जिउंदे मेरे सामने करो ना ते मैं आपदा हिंदुस्तान दा अद्धा राज दे ओनू नार खान से भी गुरु जी ने फड़ लूंगा गुरु जी तो फड़ के पौड़ी तार के ले जूंगा तो मैं इतना राज हिंदुस्तान ये कोई उन्हें आख्या शायद कोई अज का गुरु हो बीबी हो चूड़िया पाइया हो मैं जा पौड़ी चढ़ गया हैरान वाली गल है कि सतगुर सच्चे पातशाह बैठे तीर कमान लेके गढ़ी के उत्ते हजूर ने जो सिरता चक्या जो सिरता चक ना छेती जे इत एक खोपर बहुत कलडा खोपर कलडा हस भी कलडा बखियां भी कलडिया छेती बंदा मरदा नहीं बाला नरोआ इत इत जी नावज है ना पोटपड़ी की हजूर टका के पोटपड़ी की नवज ते तीर मारिया नौ इंची तीर चौड़ा सी जो शरल करके तीर मारिया ते मछली नब्ज वड्डी गई जो दिमाग की नब्ज वड्डी गई तो खोपर ऐ जिवें दो अद्धी मतीरा करके सिटी ना पूंजे ऐ हिटे उतला शैतान ते थले ठान ठान वो दूजा चढ़िया उहदे भी इत्थे तीर ठोके जानी मैं बचन कर रहा जिन्हें अपने पुत्र शहीद कराते होण ते पुत्र दो विछड़ गए होण माता विछड़ गई होवे दस लख दा घेरा होवे घबराहट तां हुंदी गई है पर मेरे शहनशाह दे शाह पीरां दे पीर पकंबरां दे पकंबर दी धड़कन हिली होई हिली जे धड़कन हिल जाए ना फिर निशाना नहीं लगता घबराहट विच निशाना नहीं लगता यह निशानी है गुरु गोबिंद सिंह जाग दी जोत दी भी निशाना उवें ही लग्या जिवें पहला लगता सी हजूर ने इत्थे मारिया रख इत्थे सासद भोली जगह है जिहड़ा खोपड़ी का जोड़ है ते जे कदे होर वजदा हट ते वजदा वह फटण हो जाता पर गुरु जी ने फटण नहीं किया गुरु जी कहते मैं तैनू मक्के भेजदा सीधा तीर दे उत्ते हजूर सच्चे पाया मारा तीर ला के रखता तुसी इतिहास गुरु साहब दा सुन लिया तो कितने समा पवे धड़कण तुहाडी वधी होवे तो तुसी मूहरे सुरूप रख लियो अमृत वेले सुणै गंग जो जाए सोए रस ना पावई सुनया मूड चित लाए चितरता आ बई दुख दर्द पौ निकट ना तन नर के रह तू जो जा की एक बार चौपी को कह चौपाई का पाठ करके वेख्यो तो तुम गोलियां छड़ते छड़ते छड़ देंगे थोड़ी धड़कन थोनू है तो जो जहा गुरु का दिल वो जो सिख का दिल हो जाए सिख का जे हम गुरु का सहे वर्गा दिल हो गिदड़ वर्गा हो तो सहे में आखे मांस खाना सह कहना मेरा बाजे थोड़ा हम गुरु तो बहुत आई भी पंजा पंजा बॉडीगार्ड जो उन्हें कहिए भी मांस खा लो कहते मेरा बाजे थोड़ा दसो की करोगे तुम सतगुरु पूरा कलगिया वाले आसन तो उठे भाई डले खालसा जी मुकलब च लेके कहते डलिया जिमें इतने तेन मिले ना खुले मैदान च दमदमा साहब
ਇਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਲੂ। ਆਹ ਮਾਈ ਭਾਈ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵਚਨ ਡੱਲੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਥਾਂ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡੱਲਿਆ ਪੀੜੀ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਮੰਜਿਆ ਜਿੰਨਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅੰਬਰ ਛਕਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਥਾਂ ਦੇਊਂਗਾ। ਇਉਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਡੱਲਿਆ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਰਹੂਗਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਮਾਈ ਭਾਈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਵਿਹੜੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓ, ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਅੰਬਰ ਛਕ ਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਿਓ। ਇੰਨੇ ਦੁਆਨ 7-8 ਦੁਆਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੰਬਰ ਛਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦੁਆਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰਸੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਦਿਹਾੜਾ 68 ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਉਣਾ, ਹਾਰੀ ਭਰਨੀ ਅਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਓ, ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਆਓ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰ ਲੋਕ ਸਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਆਪੇ ਵੇਲੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੜਿਓ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮਿਲਣਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮਿਲਣਾ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਦੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਦੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀ ਲੈ, ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਵਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਵਿਰ ਛਿਲਾਇਆ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬੂਟਾ ਲਾਇਆ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਰਿਆ ਵਾਰੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਰੇ, ਦੋਨੀਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਨੇ ਗਏ ਤੋਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਰੇ, ਮਾਤਾ ਪੁੱਛੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗਿਰਦੇ ਟੋਟੇ ਚਾਰਿਆਰੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਬਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੈ ਗਿਆ ਚਲੇ ਜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਤ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜੀ ਪਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀ ਪਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਾਲ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਰ ਮਾਰਿਆ।
ने मेरे दी तीर मारिया बाबा जी ने दी बाण मारिया तै के अश्रु जे तुसे गुरा ने मेरे दी तीर मारिया गुरा ने बाबा जी ने दी बाण मारिया हर जस गायो संत जना मिन हर जस गायो संत जना मिन हर जस गायो जन्म के दुख गवायो जन्म के दुख गवायो जहत सोई मन पायो जहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम गवायो हर नाम दिवायो हर दुख हर नाम वधाई हर जस गायो संत जना मिल 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 सारंग एको अंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहा ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨਾਂ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਜੀ
जी के हजूर अरदास बेनती है। रात के दीवान सह गए हैं, बाणी पढ़ी सुरिंदर प्रवान करनी, आई हुई संगत जी दर ते हाजरी लानी। इस वे आप जी की सोनी विशाई तैयार है, आप अपने सुखे आसन से विराजमान होवो, संगतां नूं खुशियां बख्शो, सर्व लामा करो। जो जी इस वे आप जी